पूछा कि मैयत के पास कलमा पढ़ते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हैं, जोर से भी पढ़ते हैं, जब जनाजा ले जा रहे होते हैं कब्रिस्तान की तरफ या जनाजागाह की तरफ तो जोर से कलमा पढ़ते हैं। याद रखिए, कलमा पढ़ना एक इबादत है, कलमा पढ़ना नेकी है, जिक्र करना भी नेकी है, जिक्र भी इबादत है, अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है। मगर जिक्र करने वाला तो जिंदा है, मुर्दा जिक्र नहीं करता ना, जिंदा है तो जिक्र करेगा, इसमें कोई शक नहीं। फुकहा ने लिखा है ये भी कलमा तो बड़ी इबादत है, फुकहा ने लिखा है कब्रिस्तान के दरख्तों को ना काटो क्योंकि सब बालिल्लाह माफी समावत माफी या सब भी होलिल्लाह, कि दरख्त भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। वो दरख्त का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना कब्रिस्तान के मुर्दों को फायदा देता है। जब ये मुर्दों को फायदा देता है जिक्र करना मैयत के पास दरख्त का, तो जिंदा लोगों का जिक्र करना फायदा नहीं देगा, यकीनन देगा, इनमें कोई शक नहीं नेकी है। लेकिन इसको लाजमी ना समझें, इस तरह जोर से भी ना पढ़ें, अल्लाह के लिए करना है ना, मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए करना है, तो जोर से साबित नहीं है हजरत साहब अकरम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फुकहा से, जोर से साबित नहीं है, तो जोर से ना पढ़े, कलमा पढ़े, कलमा इबादत है, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। और इसको लाजमी भी ना समझे कि जो ना पढ़े वो काफिर हो गया, जो ना पढ़े वो बिदअती हो गया, जो ना पढ़े वो दुश्मन हो गया, नहीं, इसको तो फिर इबादत भी है, इसका फायदा भी है और इसकी इजाजत भी है। लेकिन याद रखिए, मैं एक इल्तिजा करता हूं, ये जो कलमा जोर से पढ़ते हैं आप इनको काफिर भी ना समझें, अगर इन्होंने जोर से कलमा पढ़ लिया तो ये काफिर भी नहीं हो गए, इस वजह से ये जहन्नमी नहीं हो गए, इस वजह से ये बिदअती भी नहीं हो गए। तो थोड़ा हल्का हाथ रखा करें, नरमी से समझा दे करें, प्यार मोहब्बत से। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का शीशा है, शीशे की तरह समझाया करो, शीशा जोर से नहीं बोलता, किसी और को भी नहीं बताता, कि ना बुग्ज़ नफरत भी नहीं करता। आइए हम ऐसे मुसलमान के खैर ख्वाह बन जाएं और कलमा पढ़ने वालों को प्यार मोहब्बत, जोर से पढ़ने वालों को प्यार मोहब्बत से समझाएं कि ऐसा पढ़े तो ये अजर है और इसको लाजमी भी ना समझ।